हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन। मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब जो करो, और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करो। इससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है हनीकॉम्बिंग कंक्रीट। दोस्तों कई बार हनीकॉम्ब को साइड पर गंजा भी कह देते हैं। जैसे कई बार अगर हमारे कॉलम में हनीकॉम्ब आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि हमारे कॉलम में गंजा आ गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों हनीकॉम्ब होता क्या है। हनीकॉम्ब्स आर होलो स्पेसिस एंड कैविटीज लेफ्ट इन कंक्रीट मास ऑन सरफेस और इनसाइड द कंक्रीट मास वेयर कंक्रीट कुड नॉट रीच। दीज लुक लाइक हनी बीज नेस्ट। दोस्तों हनीकॉम्ब होलोज होते हैं, इनसाइड द कंक्रीट या आउटसाइड द कंक्रीट हो सकते हैं। ये हमें कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते। इनका बेसिकली आने का कारण दोस्तों होता है इम्प्रॉपर वाइब्रेशन। हनीकॉम्ब इज आल्सो नोन एज एयर पॉकेट इज नथिंग बट एयर वॉइड्स इन कंक्रीट। इट इज़ यूजफुली फॉर्मड ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। हनीकॉम्ब इज ड्यू टू नॉन रीचिंग ऑफ कंक्रीट टू ऑल प्लेसेस ड्यू टू विच कैविटीज एंड होलो पॉकेट्स आर क्रिएटेड। दोस्तों हनीकॉम्ब जो है एयर पॉकेट होते हैं, जो जिसकी वजह से जो वॉइड्स जो होते हैं वो कंक्रीट में रह जाते हैं। ये वॉइड्स दोस्तों बेसिकली कंक्रीट में रहते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वाइब्रेशन जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं। आगे मैं दोस्तों आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हनीकॉम्ब होता क्या है। ये इमेजेस बेसिकली दोस्तों साइट से रिलेटेड हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इस इमेज में, ये हमारे कॉलम में हनीकॉम्ब आया हुआ है। इसका मेन कारण ये रहा होगा कि इसमें रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग बहुत ही क्लोज है। और दोस्तों ये देखिए बीम में हमारा हनीकॉम्ब आया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं हुई होगी। और यहाँ भी देखिए दोस्तों जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपका स्टील शो हो रहा है, ये भी हनीकॉम्ब ही है। और ये देखिए दोस्तों इस कॉलम में भी हनीकॉम्बिंग आई हुई है, प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं हुई है। तो आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि हनीकॉम्बिंग के आने के कारण क्या होते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इम्प्रॉपर वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंक्रीट। अगर दोस्तों हम वाइब्रेटर अच्छे से यूज़ ना करें तो हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लेस कवर टू रिइंफोर्समेंट बार। अगर दोस्तों हम रिइंफोर्समेंट को कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं या सफिशेंट कवर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो भी हनीकॉम्ब आ सकता है। तीसरा है एडिशनल वाटर सीमेंट रेशो। अगर दोस्तों वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हनीकॉम्ब आ जाता है। चौथा पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट। अगर दोस्तों हम कंक्रीट कास्टिंग के दौरान अगर कंक्रीट को हाइट से प्लेस करते हैं तो उससे भी हनीकॉम्ब आ सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट आल्सो प्रिवेंट कंक्रीट टू फिल नैरो स्पेसेस बिटवीन द रिइंफोर्समेंट रोड। दोस्तों अगर बिगर साइज एग्रीगेट यूज़ करोगे तो उसकी वजह से भी हनीकॉम्ब आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।